हेलो एवरीवन, मैं बीआर चौधरी, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, सीएलसी सीकर। नीट 2019 केमिस्ट्री कोड S6 के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 14, इनका सॉल्यूशन में जो फिजिकल का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 bar। द वर्क डन बाय द गैस इज, देन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। गिवन दैट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 bar, तो माइनस 2, वी फाइनल 0.25 लीटर एंड वी इनिशियल इज 0.1 लीटर, इट इज माइनस 0.3 लीटर बार। गिवन दैट 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 30 जूल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशंस। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू वी एम रियल, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन में मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। गिवन दैट वी एम रियल इज 20% स्मॉलर देन वी एम आइडियल, वी एम रियल लेस देन वी एम आइडियल, सो जेड लेस देन 1, जेड लेस देन 1 एंड वेन जेड लेस देन 1 देन अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेट, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6, ए कंपाउंड इज फॉर्मड बाई कैटायन सी एंड एनायन ए, द एनायंस फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेटिस एंड द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, द एनायंस ए, द नंबर ऑफ एनायन, गिवन दैट द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ एनायन इज ए, देन द नंबर ऑफ कैटायन इज 75% ऑफ ए, 75% ऑफ ए, देन सी इज इक्वल टू 3/4, देन सिंपलेस्ट रेशियो इज ए फॉर सी थ्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन एट टी टाइम। गिवन दैट 99% कंप्लीट हो रही रिएक्शन, देन इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले रहे हैं, तो यह आ जाएगा KT 99% इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन 100, 99% कंप्लीट हो रही, इट मींस कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम 1, T 99% इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 100, 2.303 इंटू 2 अपॉन में की 4.606 अपॉन में की, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, द रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड के इक्विलिब्रियम इज, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है। Given that for a cell involving 1 electron, so n is equal to 1, e note cell is given 0.59,
log base 10 k equilibrium. K equilibrium is equal to anti log of 10, 10 की पावर 10 आ गया. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस. इन हेबर प्रोसेस NH3 फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड टू एंड 3S2 कन्वर्ट इनटू 2NH3 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 मोल. 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड. सो द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe+3+2I- converts into 2Fe+2+I2. Inert cell is given is equal to 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard Gibbs energy of the cell reaction is delta G naught is equal to minus NF inert cell. Delta G naught is equal to minus NF inert cell. And number of transferred electron is 2Fe+3 converts into 2Fe+2. Number of transferred electron 2. N is equal to 2. Faraday given 96,500 coulomb per mole. Inert cell 0.24 volt. जूल में आएगा ये जूल पर मोल. कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 18. विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल AgII-Sol. नेगेटिव सॉल का फॉर्मेशन होगा जब प्रेसिपिटेट की सरफेस पर नेगेटिव आयन का एड्सॉर्प्शन होगा. यानी मिलीमोल्स ऑफ आई माइनस इज मोर देन द मिलीमोल ऑफ एजी प्लस. इन फर्स्ट कंडीशन मिलीमोल्स ऑफ एजी प्लस इज इक्वल टू 100. मिलीमोल्स ऑफ आई माइनस इज इक्वल टू 75. सो पॉजिटिवली चार्ज सॉल फॉर्म्ड. In second option, millimoles of Ag plus and I minus are equal. In third option, millimoles of I minus more than millimoles of Ag plus. So negatively charged sol formed. In fourth option also, the millimoles of I minus more than the millimoles of Ag plus. So यहाँ पर भी fourth option में भी negative sol का formation होगा. तो यहाँ दो option correct है. Option third and option fourth. नेक्स्ट प्लीज. इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव. सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस. सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रही इट मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस. हाइड्रोजन एटम्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे इट मींस एंट्रोपी डिक्रीज होगी. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा इट मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. लास्ट ऑप्शन में एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है. आपको कहा है कि एंट्रोपी डिक्रीज किस केस में हो रही है. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिक्सर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफीज. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ का फॉर्मेशन होता है नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में. आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मिक्सर नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है. फर्स्ट एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड. सेकंड हेप्टेन प्लस ऑक्टेन. थर्ड वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एंड इथेनॉल प्लस वाटर. ऑल फर्स्ट एंड फोर्थ आर पॉजिटिवली डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और ये नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ का फॉर्मेशन होगा. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट.
नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस में रिलेशन बताना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन एच थ्री, ये रिलेशन आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू, रेट इन टर्म्स ऑफ एन टू, रेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ये आएगी एंड रेट इन टर्म्स ऑफ एन एच थ्री ये आएगी। ये रिलेशन दे रखा है माइनस डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू डी एन एस थ्री बाई डी टी, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर का है नॉट एसिडिक बफर, बेसिक बफर का फॉर्मेशन किसमें होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 100 ml ऑफ 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 200 ml ऑफ 0.1 m NH4OH, द रिएक्शन बिटवीन NH4OH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NH4Cl, मिलीमोल्स ऑफ NH4OH 200 into 0.1 20 at T is equal to 0, मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 मिलीमोल्स है इसके 20 मिलीमोल्स है, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, कंप्लीटली यूज होगा, इसके 10 मिलीमोल्स रहेंगे आफ्टर रिएक्शन, इसके 10 मिलीमोल्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर रिएक्शन, NH4OH प्रेजेंट विथ NH4Cl, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, बिकॉज वी नो इन बेसिक बफर सॉल्यूशन ए वीक बेस प्रेजेंट विथ द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मींस सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, इट मींस ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा कॉमन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाए, इन फर्स्ट ऑप्शन कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, प्लस वन से प्लस टू में भी जा रही है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, इन सेकेंड ऑप्शन Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स, प्लस सेवन में भी जा रहा है और प्लस फोर में भी जा रहा है, इट मींस ए एंड बी आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ओनली डिक्रीज हो रहा है, प्लस सेवन से प्लस सिक्स एंड प्लस फोर में कन्वर्ट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन में Mn प्लस प्लस सेवन में या प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है प्लस फोर में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना एनर्जी का, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन प्लस एल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन प्लस एल इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, आपको कहा है कि इनमें से एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एन प्लस एल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, इफ द वैल्यूज ऑफ एन प्लस एल, एन प्लस एल आर इक्वल, देन जिसके लिए एन की वैल्यू मिनिमम होगी, लो होगी, उसके लिए एनर्जी लो होगी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना एन प्लस एल का, 5F के लिए, 6P के लिए, 4P, 5P एंड 4D, एन प्लस एल 5+3, 6+1, 5+1, 4+2, इनके लिए एन प्लस एल इक्वल है, जिनके लिए एन की वैल्यू लो होगी उसके लिए एनर्जी लो होगी, तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, कंजुगेट बेस का एग्जांपल बताना, कंजुगेट बेस कौन होगा, वाटर के लिए एंड HF के लिए, कंजुगेट बेस वाटर का कंजुगेट बेस होगा OH माइनस और HF के लिए कंजुगेट बेस होगा F माइनस, OH माइनस एंड F माइनस,
Next. Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? Lyman series, ultraviolet region mein. Passon and Brackett series, infrared region mein. And Balmer series in visible region. So option 4 is correct. Next. pH of saturated solution of calcium hydroxide is 9. The solubility product of calcium hydroxide is? Calcium hydroxide ionizes as pH of saturated solution given 9. Iske liye at saturation solubility S le liya to Ca plus 2 ki concentration S hogi, OH minus ki concentration 2S. pH is equal to 9. So pOH is equal to 5. OH minus ki concentration, OH minus ki concentration jo ki equal hai 2S ke, uski value de rakhi hai. pOH is equal to 5, then OH minus concentration is anti-log of 5, minus 5, 10 ki power minus 5. S is equal to ye a jayega, 10 ki power minus 5 upon mit 2. So KSP is equal to, KSP is equal to 4S cube. S की वैल्यू दे रखी है, KSP is equal to ये आ जाएगा. Next question. एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेक्ट है? आइडियल सॉल्यूशन में neither heat released nor absorbed, because the attraction force between solute and solvent are equal to attraction force between solute-solute molecules or solvent-solvent molecules. So neither heat released nor absorbed. Option first is correct. Delta H mixing is equal to 0. Myself Rajeev Kumar, Senior Chemistry Faculty, CLC Sikar. हम लोग NEET 2019 chemistry question solve करेंगे. Chemistry में inorganic part में discuss करूँगा. Chemistry के question है question number 1 to 45. इसमें inorganic part में discuss करूँगा. Very first question number 1, which of the following species is not stable? ये chemical bonding का question है. यहाँ tin, silicon, silicon, germanium के compound. इन चारों को देखें तो SiCl6 2- ये exist नहीं करता है. क्यों exist नहीं करता है SiCl6 2-? Steric hindrance की वजह से ये exist नहीं करता. सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कंपाउंड बनाता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है. जर्मेनियम का साइज लार्जर है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बढ़ता चला जाता है एलिमेंट का. जर्मेनियम का साइज लार्जर है, क्लोरीन के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में बनाता है. टिन का साइज और लार्जर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में बनाता है. सिलिकॉन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ सो नहीं करता है, इसलिए आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड. ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है तीनों ब्रोमीन एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और जो टर्मिनल ब्रोमीन है ये 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, दोनों ही टर्मिनल ब्रोमीन. और जो मिडिल ब्रोमीन है वो दोनों 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है. तो ये राइट स्ट्रक्चर है Br3O8 का. और ऑप्शन में आप देखो ये 3rd ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2. ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से स्टेटमेंट. SnF4 इज आयनिक इन नेचर, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, SiCl4 इज इजली हाइड्रोलाइज्ड. ये चारों ही जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बन फैमिली के एलिमेंट के हैं. P ब्लॉक का क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करना है.
GEX4 is more stable than GEX2. आप टॉप टू बॉटम आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है बट इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेट करता है केवल लास्ट एलिमेंट में, और इस ग्रुप 14 का लास्ट एलिमेंट लेड है. तो जर्मेनियम तक, जर्मेनियम टिन तक प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. तो जर्मेनियम में भी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है. तो GEX4 इज मोर स्टेबल देन GEX2, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अपने को चुनना है इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट है SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर. आप देखोगे टेट्राहेलाइड कार्बन फैमिली का, तो कार्बन फैमिली का टेट्राहेलाइड मैक्सिमम कोवेलेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT. NCERT ने स्पष्ट लिखा है कि टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन फैमिली आर कोवेलेंट एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4. तो PbF4 कोवेलेंट नहीं है, PbF4 अकॉर्डिंग टू NCERT आयनिक है. इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड होगा. करेक्ट आंसर थर्ड है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. मैच द जेनन कंपाउंड्स इन कॉलम फर्स्ट विथ इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम सेकेंड एंड असाइन द करेक्ट कोड. कॉलम फर्स्ट में जेनन के कंपाउंड्स हैं, कॉलम सेकेंड में इनके स्ट्रक्चर हैं. ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है. वेरी फर्स्ट देखें XCF4 का स्ट्रक्चर. जेनन के पास टोटल 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है. फ्लोरीन की वैलेंसी सिंगल होती है. जेनन 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, यानी 2 लोन पेयर है. स्टेरिक नंबर आप देखेंगे, स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर. टोटल स्टेरिक नंबर 6 है. हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और 2 लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर हो जाएगी इसकी. तो ए का जो आंसर जाएगा, ए का जो मैच हो रहा है, ये सेकेंड स्क्वायर प्लैनर. XCF6 का स्ट्रक्चर देखेंगे. जेनन के 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 1 लोन पेयर है. स्टेरिक नंबर 7 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3. sp3d3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, बट 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज थर्ड. तो ये बी का जो मैच है, ये थर्ड है. नेक्स्ट इज XEOF4. XEOF4 का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है जेनन का बॉन्डिंग में, 2 नॉन बॉन्डेड है, यानी 1 लोन पेयर. स्टेरिक नंबर काउंट करो आप, स्टेरिक नंबर 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बट 1 लोन पेयर की वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल. सी का स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल 4 में. नेक्स्ट इज XEO3. XEO3 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, 3 ऑक्सीजन है. जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है जेनन के साथ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा. जेनन ने 6 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, यानी 1 लोन पेयर है. टोटल स्टेरिक नंबर आप काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 लोन पेयर, यानी ज्योमेट्री पिरामिडल. डी का फर्स्ट. तो आप इस कोड से मैच करवा लें, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4. यहाँ ऑप्शन 1 इसलिए नहीं होगा. अब ऑप्शन 4 में आप आ जाएं, सेकेंड, थर्ड, 4, 1, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू.
आप जैसे परमैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर देखो, परमैग्नेट आयन का ये स्ट्रक्चर है, मैग्नीज चार बॉन्ड, टोटल सेवन बॉन्ड बना रहा है, इसमें चार सिग्मा बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि मैग्नीज का डी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैग्नीज का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, थ्री डी सीरीज का है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में ओनली पी ऑर्बिटल ही ऐसा ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहां डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाता है। वेरी फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप टू पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, पी ऑर्बिटल है मैग्नीज का इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता नहीं है इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, हेंस थर्ड ऑप्शन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एज द गो फैक्टर, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। एस ब्लॉक में आप एनसीईआरटी देखेंगे, लास्ट सेक्शन में है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये एक इंफॉर्मेटिव चीज है, बायो के स्टूडेंट ज्यादा बेहतर इसको समझते हैं। काइनेज एंजाइम कहलाता है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, और काइनेज एंजाइम जो है इसमें को फैक्टर जो एक्टिवेटर होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है, इसलिए इसका आंसर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। What is the correct electronic configuration of the central atom in K4 Fe CN6 based on CFT, crystal field theory? K4 Fe CN6, इसमें सेंट्रल मेटल आयन है Fe2+, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है D6। लिगेंड साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के इफेक्ट में डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2Z Az। चूंकि लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए पेयरिंग करवाएगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2Z में प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6Az0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, Which one is malachite from the following? Metallurgy का question है, informative question है, ore पूछा है, ore का formula पूछा है। Malachite is the ore of copper and it is mixed ore, carbonate ore and hydroxide ore. Copper carbonate, copper hydroxide, इसको basic copper carbonate भी कहते हैं। Green color का ये ore है, बिल्कुल informative question है, answer is second. Next question हम लोग discuss करें। Which of the following is an amphoteric hydroxide? Magnesium, beryllium, strontium, calcium. इनके hydroxide हैं। S block का ये question है। S block में group second A का है, या group second कह लें। सभी alkaline earth metal हैं। Very first beryllium का ही oxide और hydroxide amphoteric होता है। S block में केवल एक ही metal है जिसका oxide hydroxide amphoteric होता है। और ऐसा beryllium ion के very high चार्ज रेडियस रेशियो की वजह से होता है, वेरी हाई आयोनिक पोटेंशियल की वजह से होता है इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, हेंस आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, व
Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to MOT? स्पष्ट दे दिया है MOT का chemical bonding का question है. करा केवल pi bond किस molecule में है? अगर आप इनका molecular orbital में electronic configuration करोगे, very first option में ही हम लोग देखें C2. C2 में total electron है 12, carbon का atomic number होता है 6. C2 में total electron हो गया 12. आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. इसके बाद नेक्स्ट जो हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल है वो पाई 2px एंड पाई 2py. पाई 2px पाई 2py ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं. एनर्जी इनकी इक्वल होती है 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल अप कर चुके हो, 4 और फिल अप करना है, 2 और 2 4. अब ये इसके बॉन्डिंग इफेक्ट को सिग्मा 1s के बॉन्डिंग इफेक्ट को सिग्मा स्टार 1s का एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट कैंसिल कर दे रहा है. ये दोनों एक दूसरे के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं. तो नेट जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. दोनों पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड है. यूजुअली अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो एटम्स के बीच एक सिग्मा होता है, अदर सारे पाई होते हैं. बट ये एक अनयूजुअल मॉलिक्यूल है, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है, गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है जब आप ग्रेफाइट को गैसियस फेज में ले जाते हो. तो C2 एग्जिस्ट करता है जहां दोनों ही बॉन्ड पाई है. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें. मैच द फॉलोइंग प्योर नाइट्रोजन हैबर प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस डेकन्स प्रोसेस. इधर क्लोरीन सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया सोडियम एजाइड. इधर कुछ प्रोसेसेस हैं, इधर प्रोसेस बनाने इस प्रोसेस में बन रहे कंपाउंड्स हैं, इधर इनको मैच करना है. जाहिर सी बात है ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है. प्योर नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ये क्लोरीन से मैच नहीं होना, सल्फ्यूरिक एसिड से मैच नहीं होना, अमोनिया से मैच नहीं होना. सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को जब आप हीट करते हो एजाइड सॉल्ट को तो प्योर नाइट्रोजन बनता है BaN3 होल ट्वाइस. ये बेरियम एजाइड का फार्मूला है. एजाइड की वैलेंसी 1 होती है, बेरियम की वैलेंसी 2. जब आप इसको हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होता है बेरियम में प्लस नाइट्रोजन में. बेरियम सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है. आप हीट कर रहे हो, केवल एक ही गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है और केवल एक गैसियस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन ही है, इसलिए ये प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड है. सेम आप सोडियम एजाइड से आओगे, हीट करोगे, सोडियम प्लस नाइट्रोजन इवॉल्व होगा, वहां भी गैसियस प्रोडक्ट एक ही है, इसलिए जो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है वो प्योर होता है. तो ए का जो मैच हो जाएगा, ये ए का मैच 4 है. अब ऑप्शन में आप यदि देखो, आपको काफी शॉर्ट टाइम लेना है, तो प्योर नाइट्रोजन है ना, ए का 4 केवल एक ऑप्शन में. आप ऐसे भी कर सकते हो, या हरेक को आप देख लें. हैवर प्रोसेस आप वेल नोन है, अमोनिया बनाने का मेथड है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड है. डेकन्स प्रोसेस क्लोरीन बनाने का मेथड है. HCl का जब एरियल ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 तो क्लोरीन गैस फॉर्म होता है. तो इसलिए और ये सारे मैचेज बिल्कुल सही हैं ऑप्शन सेकेंड में, इसलिए राइट आंसर इज 2. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. It is question number 33. Identify the incorrect statement related to PCl5 from the following. PCl5 की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है. चारों ऑप्शन PCl5 की प्रॉपर्टी से है. पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये. वेरी फर्स्ट ऑप्शन है एक्सियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड. आप बेंस रूल से देखते हो कि जो एक्सियल डी ऑर्बिट एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें परसेंटेज कैरेक्टर मिनिमम होने की वजह से
ये ऑर्बिटल का साइज लॉन्गर होता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होता है। ऑप्शन वन में यही है कि एक्सियल पीसीएल बॉन्ड आर लॉन्गर, ये फैक्ट है, बट अपने को चुनना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल इज हाईली रिएक्टिव। जैसे पीसीएल फाइव को आप वाटर में डालोगे, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस होता है। पीसीएल फाइव एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरिनेटिंग एजेंट, मेटल वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे सिल्वर के साथ भी रिएक्शन करवाते हो, ए जी प्लस पीसीएल फाइव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ए जी प्लस ए जी सी एल प्लस पीसीएल थ्री। ऐसे ही टिन से करवाओ तो एस एन प्लस पीसीएल फाइव, एस एन सी एल फोर प्लस पीसीएल थ्री। तो पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल इज हाईली रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव लिखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन को देख लें करेक्ट है या नहीं है। थ्री इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, बिल्कुल ये 120 का एंगल है। टू एक्सियल पीसीएल बॉन्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, एक्सियल ये दोनों 180 पे है। तो वन थ्री फोर करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, आंसर इज सेकेंड। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E, वेयर E आर एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इस क्वेश्चन को आप P ब्लॉक में भी रख सकते हो, और P ब्लॉक में बॉन्डिंग एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है तो केमिकल बॉन्डिंग में भी प्लेस कर सकते हो क्वेश्चन को। आप जानते हो कोवेलेंट कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, पर्टिकुलरली बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड की, वो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, ईएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे, ईएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ईएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, ईएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अपने को देख, ये सारे ऑप्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी के। तो जो सबसे टॉप पे है H2O, वो थर्मली मोस्ट स्टेबल है, H2O थर्मली मोस्ट स्टेबल है। और ऑप्शन वन में ही आप देखो, बाकी किसी ऑप्शन में H2O है ना लास्ट में नहीं है, यानी हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है। बाकी को चेक कर लें, पोलोनियम या बैक आ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये ऐसे बैक आ रहे हो ग्रुप में, ऊपर से नीचे एलिमेंट जा रहे हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी इनकी घटती जाएगी राइट टू लेफ्ट। तो ये एक सही आंसर इसका फर्स्ट है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। एलिमेंट आप देख लो, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक है सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स। जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट, आप जाते हो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में सेकेंड पीरियड में दो अल्ट्रेशन आपको मिलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने का, बट बेरिलियम और बोरोन में यह अल्ट्रेशन आएगा। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से आपको निकालना होगा, बोरोन में 2p से निकालना होगा। 2s का जो ऑर्बिटल से क्लोजनेस है वो ज्यादा है, इसलिए बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बोरोन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉलो होता है। नाइट्रोजन 2p3 कन्फिग्रेशन है, ऑक्सीजन 2p4 कन्फिग्रेशन है। 2p3 हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो दो अल्ट्रेशन मिलेगा, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फ्लोरीन नियॉन। अब ये ऑप्शन से मैच कर लें, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन यहां पहले इसलिए ये नहीं होना है, यहां बेरिलियम पहले इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होना है, थर्ड ऑप्शन लिथियम ये भी नहीं होना है, फोर्थ ऑप्शन आप देखो यहां अल्ट्रेशन है और यहां भी अल्ट्रेशन है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। The method used to remove temporary hardness of water. ये water के hardness यानी hydrogen chapter से question है, temporary hardness हटाने का method आपसे पूछ रहा है। Ion exchange method, synthetic resin method, Calgon method, ये तीनों method permanent hardness हटाने के हैं। Clark method ये temporary hardness हटाने का method है। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये टेम्पररी हार्डनेस हटाने के दो मेथड हैं। एक तो वाटर को आप सिंपली बॉयल कर दें, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, और कार्बोनेट इनका इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होगा तो ये अस्कम के फॉर्म में आ जाएगा, फिल्टर करके हटा दें, हार्डनेस खत्म हो जाता है। दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में जो हार्डनेस है, हार्डनेस हटाने के लिए, टेम्पररी हार्डनेस हटाने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लाइम के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन देगा और ये हार्डनेस जो प्रेजेंट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इनके बीच रिएक्शन होगा। बाइकार्बोनेट आयन एम्फीप्रोटिक आयन है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। हाइड्रोक्सिल आयन इससे प्रोटॉन लेगा, रिएक्शन होगा कार्बोनेट का फॉर्मेशन प्लस एच टू, और ये कार्बोनेट एम टू प्लस को प्रेसिपिटेट कर लेगा एम सी ओ थ्री के फॉर्म में, और इस तरीके से ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो मेटल आयन जिसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस है कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन वो रिमूव आउट हो जाता है, हेंस फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर, नीट 2019 का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन है थैलिक एसिड COH, इसमें NH3 लिया हमने, जब COH NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें बनेगा CO-NH4+, ठीक है, CO-NH4+। अब इसको हम हीट करेंगे तो यहां से बन जाएगा CONH2, थैलिक एसिड, अमोनियम थैलेट, और हीट किया तो ये क्या बन गया, थैलामाइड। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इसमें, अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इसको तो ये क्या बन जाएगा, NH3 निकल जाएगा यहाँ से और ये बनेगा CONH। मतलब ये बना अमोनियम थैलेट, ये हो गया थैलामाइड और ये हो गया थैलीमाइड। इसमें आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सट्रेट एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें दो मैटर होता है, एक तो होता है गैस फेज, एक होता है एक्वा सॉल्यूशन। अगर गैस फेज दिया होता तो हमें कोई स्टेरिक हिंडेंस वगैरह कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है, गैस फेज है सिंपल, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, एक्वा सॉल्यूशन, इसलिए एक्वा सॉल्यूशन में एच प्लस एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। ये है CH3NHCH3, ये है CH3NCH3CH3, ये 2 डिग्री एमीन है
और ये क्या है, 3 डिग्री एमीन है. तो 3 डिग्री एमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होने के कारण ये H प्लस आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता. मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से टर्सरी एमीन की बेसिटी सेकेंडरी एमीन से क्या होती है, कम होती है. तो इसमें और 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन में 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से अधिक बेसिक होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. इसलिए सबसे अधिक होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी. ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है. तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, Among the following, the one that is not a greenhouse gas is ozone, sulfur dioxide, nitrous oxide, methane. Ozone, ये greenhouse में होता है. Sulfur dioxide नहीं होता है. Nitrous oxide होता है. Methane होता है. और इसमें लाइन जो NCERT की है, ओजोन है, N2O है, CH4 है और वाटर वेपर है, वो भी होता है. इसलिए आंसर इसमें कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, ये आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. इसमें जो और जितने हैं, एक पेंसिलिन जी है जो नैरो स्पेक्ट्रम है, और फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये सभी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इसलिए इसमें डायरेक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं. इसमें थर्ड ऑप्शन पेंसिलिन जी, ये नैरो स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है. नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो बॉडी में बनता है, तो बॉडी में इसमें ऑप्शन से देखें, पहला ही क्या है, नॉन एसेंशियल लाइसिन. इसको अपने टीवी मिल पाथ से क्लासेस वगैरह में कराए जाते हैं. एलानिन नॉन एसेंशियल है, लाइसिन क्या है, एसेंशियल है. वैलिन ये भी इसेंशियल है, ल्यूसीन ये भी क्या है, इसेंशियल है. तो इसमें आंसर क्या हुआ, फर्स्ट. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ये पॉलीमर चैप्टर से क्वेश्चन है. नायलॉन 6, ब्यूना एस, नायलॉन 6-6, नायलॉन 2-नायलॉन 6, नायलॉन 2-नायलॉन 6 और PSBB, दो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं. नायलॉन 2-नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है. तो आंसर क्या हो गया, 4. इसका एक बार देख लीजिए, 2 मिनट. ग्लाइसिन है CH2, NH2, COH और एमिनो कैप्रोइक एसिड. कैप्रोइक एसिड जिसमें कार्बन हो कितने, 6, COOH, इधर COH कर देते हैं और यहां NH2 कर देते हैं. एमिनो कैप्रोइक एसिड, तो यहां से H निकालेंगे, यहां से OH, तो इसमें एमाइड लिंकेज आ जाएगा, इसलिए क्या हो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, द स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये क्या है, क्यूमीन, क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन, CH CH3 CH3, इसकी रिएक्शन करी O2 के साथ और फिर आगे दे रखा है H+H2O. इसकी खास बात, ये विश्व में सबसे अधिक फिनॉल इसी मेथड से बनाई जाती है. कमर्शियल मेथड है फिनॉल बनाने का. O2 O डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वीक बॉन्ड पे इंसर्ट करेगा और यहाँ हो जाएगा COOH और यहाँ हो गया CH3. इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड. इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, CH3 CH3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, ये इथर है, ये फिनॉल है, H2O है और ये एल्कोहल है. और सब आसानी से इसमें फिनॉल के बारे में डिस्कस करते हैं अपने सीधा. ये फिनॉल है, लोन पेयर किस में होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा. रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने से इसकी बेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इसका प्रोटोनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड. और सब आसानी से हो सकते हैं, डिफिकल्टी से कौन सा होगा, फिनॉल.
नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन टू इन फोर आइन. इसमें एक दिक्कत है, पेन टू इन वन आइन, फाइव कार्बन है, टू इन और यहां ट्रिपल बॉन्ड है, वन नंबर पे ट्रिपल. इसका रियल में इसका नाम गलत ही दे रखा है ये, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम काम करें तो इसमें पेन टू इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हम ये देंगे पेन टू इन वन आइन. ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे इस पर, वन इन टू इन वन आइन, ये सही स्ट्रक्चर इनाम नहीं है. नाम इसका सही होता वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें क्वेश्चन में एरर है, तो इसका नाम होता पेंट थ्री इन वन आइन, ये इसका नाम होना चाहिए. लेकिन अपने क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर अपने लिखेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यह एच 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 सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें पूछ रहा है, तो वन सिंगल बॉन्ड इक्वल टू वन सिग्मा, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू वन सिग्मा वन पाई. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन, कितने सिग्मा हुए, टेन सिग्मा और थ्री पाई, एक ही ऑप्शन इसमें थ्री पाई बॉन्ड है, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, यहां पेन टू आइन दे रखा है और उसमें बना रखा है सिस टू ब्यूटीन, तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री. लिनलार कैटलिस्ट से जब हम रिएक्शन करते हैं एस टू पी डी बी एस ओ फोर भी होता है, पी डी सी चारकोल क्यूनोलिन, ये भी लिनलार कैटलिस्ट में ही कंसिडर किया जाता है, और एन ए है लिक्विड एन एस थ्री. तो टू पेंटाइन को सिस में चेंज करने के लिए लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं जो है एस टू पी डी सी क्यूनोलिन, अगर एन ए लिक्विड एन एस थ्री डालते तो क्या बनता, ट्रांस. तो यहाँ हो गया ट्रांस और ये क्या हो गया, सिन. तो ये ट्रांस एडिशन देता है, ये एन ए लिक्विड एन एस थ्री, ये क्या देता है, सिन एडिशन. तो इसमें आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ. तो 39 का हो गया फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें है क्वेश्चन, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओ थ्री एंड जेड एन एस टू गिव्स प्रोपेन ओन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो, एडिशन ऑफ एस सी एन एल्कीन ए गिव्स बी ए एंड बी, ए गिव्स बी एज द मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी इज. आप सीधे ऑप्शन में चले आइए, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. सी एस थ्री सी एस टू सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल, यहाँ पे अपने लगा देते हैं द मेजर प्रोडक्ट कह रहा है, तो एस सी एल के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका होगा सी एस थ्री सी एस टू सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल, ये हुआ. और इसकी अगर ओजोनोसिस करते हैं ओ थ्री जेड एन एस टू ओ, तो इसमें कह रहा है इथेनॉल, इथेनॉल बनता और प्रोपेनॉल, मतलब ये क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ प्लस सी एस थ्री सी एस थ्री और डबल बॉन्ड ओ, इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेंजीन है सी एल टू, यूवी लाइट से रिएक्शन करी गई, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ ट्रिपल बॉन्ड में, इसका नाम है सी सिक्स ट्रिपल सिक्स सी सिक्स एस सिक्स सी एल सिक्स, इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसलिए क्या हो गया, एडिशन. यहाँ देखिए एल्कोहल एस टू ओ निकला सी एल हुआ, ये सिंपल कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एन टू सी एल यहाँ लग गया सी एल. अब आई बेंजीन, इलेक्ट्रो बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेंजीन लिया हमने, पहले तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं सी एल टू प्लस ए एल सी एल थ्री, ये हुआ सी एल ए एल सी एल फोर माइनस, ये आ गया. अब बेंजीन लिया, इस पर सी एल प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, यहाँ हो गया सी एल प्लस, अब क्या कर दिया माइनस एच प्लस, ये क्या हो गया सी एल,
तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, HCl आपको बाहर निकल गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट